अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो यहाँ पे जो है सुबह सुबह का टाइम था, तो मैं जो है वीडियो बना रही थी। तो आज जो है हसन और उसके बाबा जो है ऑफिस गए थे। हसन जो है अपनी नानों के घर गया हुआ था, तो यहाँ पे जो है मुझे टाइम मिला था, तो मैं यहाँ पे बेडशीट चेंज करने लगी हूँ। हफ्ते बाद जो है लाजमी करती हूँ, लेकिन इस वक्त थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया था। सो ये जी बेडशीट हो गई है चेंज। इसके अलावा जी आज मैंने करने थे अपनी जो कॉफ़ी चेयर्स हैं उनको साफ़, क्योंकि बहुत जो है गंदी हुई थी, क्योंकि मतलब बहुत यूज़ होती हैं, रफली यूज़ होती हैं, तो इसलिए जो है बहुत ज़्यादा गंदी हुई थी। तो इसलिए जो है मैंने सोचा था कि वो साफ़ करूँगी लाजमी आज। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो जी आज का व्लॉग जो है स्टार्ट कर रही हूँ। इंट्रो मैंने जो है शूट किया है और ये स्टार्ट में लगाऊंगी, क्योंकि बहुत से लोग जो है मैं इंस्टा पे मैंने लगाई थी जो वो मेरी कॉफ़ी चेयर्स हैं उनकी जो है मैं साफ़ कर रही थी, क्योंकि बहुत रफली यूज़ होती हैं, तो मैंने साफ़ किया। तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ आगे कि क्या क्या चीज़ें होम रेमेडीज़ हैं जो घर में चीज़ें अवेलेबल होती हैं उनके साथ मैंने जो है साफ़ किया है। और मैंने भी यूट्यूब की वीडियो देख के ही किया है, क्योंकि मुझे खुद तो पता नहीं था, तो मैंने भी यूट्यूब की वीडियो सर्च की है। सो बहुत से लोग जो है मुझे इंस्टा पूछ रहे थे, मेरी फ्रेंड्स पूछ रही थी, तो मैं अभी जो है शेयर करती हूँ। सो आपने क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, इसके अलावा बेल आइकन प्रेस करना है। सो अभी भी इतनी अच्छी साफ़ नहीं हुई, क्योंकि जो है बहुत ज़ोर से रगड़ना पड़ रहा था ब्रश से, तो मैं कर नहीं सकती थी, क्योंकि मेरा ये जो इशू है ना, तो उसकी वजह से मैं ज़्यादा ज़ोर से वो ब्रश नहीं कर सकती थी। तो आप अगर ज़ोर से करेंगे तो वो आपको बहुत अच्छे साफ़ हो जाएगा, लेकिन फिर भी पहले से बहुत 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 बेहतर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी हुई थी। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो, आप लोगों को बताती हूँ क्या क्या मैंने यूज़ किया, किस तरह से किया है और कैसे साफ़ किया है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, इसके अलावा जो इंस्टा मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सो जी बहुत से लोग पूछ रहे थे, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक ग्लास पानी लिया है, क्वांटिटी आप ज़्यादा कम कर सकते हैं। सो ग्लास मैंने पानी भर के लिया है, क्योंकि दो कॉफ़ी चेयर्स हैं, टेबल भी है यहाँ पे। नमक जो है मैंने भर के वो डाला है स्पून, और उसके बाद जी इसमें जाना है सोडा, और उसके बाद जो है विनीगर जाना है। ये सोडा मैं डाल रही हूँ, वाइट सोडा जो होता है, बेकिंग सोडा वो डाल रही हूँ। और क्वान्टिटी आप ज़्यादा कम कर सकते हो, और मतलब ये होता है ना कि जितना आपने ज़्यादा बनाना चाहते हैं मिक्सचर, और जितना कम बनाना चाहते हैं आप लोग क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हो। सो बेकिंग सोडा डाला है, नमक डाला है पानी में, उसको मिक्स किया है। उसके बाद जो है इसमें लेमन मैक्स जो होता है, पहले विनीगर डालूंगी और फिर उसके बाद जो है लेमन मैक्स जो है बर्तन धोने वाला वो मैं डालूंगी दो स्पून। तो उससे ये होता है कि झाग बन जाता है, तो वो बहुत अच्छे से मतलब वो एक साफ़ होता है मिक्सचर सा। सो इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है, और बहुत गंदे हुए थे, बहुत गंदे, तो मैं काफ़ी अरसे से सोच रही थी करूँगी, फिर आपको पता है मेरा सर्वाइकल इशू है, तो मैं ज़्यादा ज़ोर से ना हाथ के उससे वो नहीं कर सकती कोई भी काम, मतलब ज़ोर नहीं लगा सकती हाथ से। तो ये इस तरह की बोतल है, इसमें आप भर लें स्प्रे वाली, या कोई और स्प्रे वाली है तो आप भर सकते हैं। सो ये है जी बिफ़ोर, आप लोग देख सकते हैं बहुत ज़्यादा गंदे हुए हैं, क्योंकि बैठते हैं ना बार बार तो हाथ गंदे लगा लेंगे सब, तो इस तरह मतलब ये होता है। सो ये इस तरह से आपने जो है स्प्रे करना है, और मैंने मतलब स्प्रे नहीं किया था, मैंने इस तरह से जो है कपड़े की मदद से जो है वाइट कपड़ा मैंने लिया था, तो उसकी मदद से मैंने पूरे सोफ़ों पे लगा लिया था। तो वो मतलब फिर उसके बाद जो है रगड़ना है कपड़े की मदद से, ये तो दाग बहुत ज़्यादा है ना, तो आप मतलब उसके बाद जो है ब्रश होता है उसे भी जो है रगड़ सकते हैं। सो ये देखें इस तरह से जो है सारे मैंने लगा दिया है, जो पीछे है वो प्रिंटेड मेरे हैं, तो मैंने हर चीज़ जो है ना अपनी पसंद के कलर से बनवाई थी। मतलब जब मैं जहेज़ वगैरह ले रही थी, तो मैंने अपनी पसंद के जो कलर चूज़ किए थे, इसके बैक पे क्या लगेगा, फ्रंट पे कौन सा कलर लगेगा। सो ये जी उसके बाद जो है ये डस्टिंग वगैरह करूँगी। सो ये है जी ड्राई होने के बाद, काफ़ी बेहतर हो गए हैं, मतलब पहले से बहुत बेहतर हैं, लेकिन थोड़े थोड़े अभी भी दाग हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा ज़ोर से रगड़ नहीं सकी थी इसलिए। सो उसके अलावा जो है डस्टिंग वगैरह कर ली थी, सारा जो है साफ़ कर लिया था, क्योंकि आज दिन को खाना नहीं बना था, कल लोबिया चावल बने हुए थे तो वही पड़े हुए थे, और हसन जो है गया हुआ था, तो मेरे पास टाइम होता है कि मैं कुछ ना कुछ लाजमी करती हूँ। सो ये देखें जी अभी भी थोड़ा सा ड्राई नहीं हुआ हुआ था। सो यहाँ पे जी माशाल्लाह अजलान जो है खेल रहा था, सो ही नहीं रहा था, तो मैं इसको बार बार कह रही थी सो जाओ। इसके अलावा दिन के टाइम जो है गेस्ट आ गए थे, उमेर की जो है ताई वगैरह आ गए थे, तो उनको मतलब जूस वगैरह पेप्सी वगैरह सारी चीज़ें सर्व करके फिर जो है आके लेटी थी। 2000 years later। सो जी शाम का टाइम है, और यहाँ पे जी बनाने लगी थी फलियाँ, और ये मैं सारी कट कर रही थी, प्याज मैंने कट करके रख दिया था, फ़ैन ऑन किया हुआ था, इसलिए जो है मैंने सोचा पहले जल्दी से कट करती हूँ और फिर बनाऊँगी। सो ये जी हो गई हैं कट, उसके बाद जो है अभी बनाते हैं ग्रेवी वगैरह बनाऊँगी फिर, क्योंकि ये होता है ना फ़ैन चला गया, आजकल इतनी गर्मी है ना किचन में खड़ा होना लाइक सीरियसली हिम्मत होती है।
सो प्याज में जो है अभी ग्रेवी बनाऊंगी और उसके बाद जो है फलियाँ डालूंगी, फिर उसके बाद साथ जो है आलू भी मैंने कट किए हुए थे तो बड़े मज़े के लगते हैं, मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं फलियाँ, सो आलू कट किए हुए थे। और इस तरह की जो है रियलिस्टिक जो है बर्तन आपको नज़र आएंगे मेरे व्लॉग्स में, क्योंकि प्रॉपर एक वो डिशेज़ निकाल के और उनमें बनाना जैसे हम घर में रहते हैं तो वैसे ही मैं आप लोगों से दिखाती हूँ कि क्या ज़िंदगी में चल रहा होता, वही कोई वो फेक बन के या वो वाला नहीं होता, जो ज़िंदगी में रियलिटी है वही दिखाती हूँ। सो ये है जी नेक्स्ट डे, और यहाँ पे जो है मैंने बेडशीट वगैरह साफ़ की है। आज है जुम्मा और जुम्मे के दिन काफ़ी काम होते हैं क्योंकि कपड़े वगैरह करना है, और सबसे पहले जो है चूल्हा स्लैब साफ़ करूँगी, ये इतना ज़्यादा गंद है ये देखिएगा, 1, 2, 3, लेकिन इस तरह नहीं होता, साफ़ हो गया है। सो उसके बाद जो है खाना शाना बनाना है, बच्चों के जो है कपड़े प्रेस करने हैं, हस्बैंड के प्रेस करने हैं क्योंकि जुम्मा पढ़ने के लिए मैं हसन को भी भेजती हूँ। सो आज जो बना रही थी बैंगन बना रही थी, इनको मैं वॉश करके रख दिया, मैंने कहा पहले इनको जो है प्रेस वगैरह कर लेती हूँ कपड़े। सो ये उमेर के मैंने प्रेस कर लिए थे हस्बैंड के, सो साथ सेम ही जो है मतलब तीनों के सेम हैं कपड़े कलर, तो अजलान और हसन के भी जो है प्रेस कर लिए थे। सो मैंने कहा जुम्मे वाले दिन मैं लाजमी इनको कुर्ता शलवार बनाती हूँ ताकि जो है ये अच्छा रहता है। सो उसके बाद जी मैं ये कट करने लगी थी बैंगन, और पहले मैं सब्ज़ी कट करती हूँ, उसके बाद जो है प्याज क्योंकि पंखा बंद करना पड़ता है, सो ग्रेवी बनाऊँगी और इसको जो है कुकर लगाऊँगी, आलू भी डालने। सो ये मतलब मेरे ससुराल में जिस तरह पसंद किए जाते हैं उसी तरीके से बना रही हूँ, सो वो इस तरह से बिल्कुल वो जो पिसे हुए होते हैं ना तो वैसे खाते हैं, तो इसलिए जो है वैसे बना रही हूँ आलू और बैंगन, और यहाँ पर जो है ग्रेवी बन रही है। और बाय द वे मैं ऑयल और जो है मिर्चें ज़्यादा नहीं डालती, क्योंकि ये है कि ऑयल में कभी भी ज़्यादा नहीं डालती, कभी कभी अगर बहुत रेयर कम हो ज़्यादा हो जाए तो हो जाए, वरना कभी भी नहीं। और इसके अलावा मिर्चें क्योंकि बच्चों ने खाना होता है इसलिए। जुम्मा पढ़ने रेडी हो गया मेरे बेटा, इधर दिखाओ, इधर मुंह करो ना, टोपी पहन लिया, ऊपर खड़े हो, खड़े हो, इधर देखो, इधर देखो ना सन। सो उसके बाद खाना शाना बना के नमाज़ पढ़ के जो है अजलान को जो है मैंने नहलाया था, और ये शरारतें कर रहा था, माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा बच्चों को देखे, माशाल्लाह ज़रूर बोला करें, किसी की भी चीज़ होती है किसी के भी बच्चे होते हैं। तो हसन जो है माशाल्लाह से जो है जुम्मा पढ़ के आ गया था और खाना शाना खा के जो है अब सो रहा था, तो ये जो है अपने भाई को उठा रहा है, ये बड़ा शरारती हुआ हुआ अजलान, तो ये इसको ना थप्पड़, अगर इसको गुस्सा करें ना आगे से थप्पड़ मारता है। सो ये जी यहाँ पर जो है अपनी शरारतें कर रहे हैं। अजलान इधर इधर आओ, जल्दी जल्दी जल्दी, वाके वाके। सो ये था जी आज का व्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और यहाँ पे ये अपनी शरारतों में लगा था भाई को उठा रहा था। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।